अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय किचन। टुडे आई एम शेयरिंग बहुत ही ज़बरदस्त फिले ओ फिश बर्गर्स की रेसिपी आपके साथ, जो मैंने कोविड टाइम्स में एक्सपेरिमेंट की थी एंड इट टर्न्ड आउट टू बी रियली गुड। मैंने कमर्शियली पैक जो वाइट वाटर फिश मिलती है वो ली थी और इसको मैंने फिलेस में काट लिया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन पेस्ट और नमक डाल के इसको 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट कर लिया था। ये जब मैरिनेट हो जाएगी 30 मिनट्स, उसके बाद आप इसके अंदर भर के 2 स्पून मैदे के ऐड करेंगे और उसके बाद आप इसके अंदर 1 फटा हुआ अंडा ऐड करिएगा। बस आपने नॉर्मल सा उसको बस फेंट लेना है और इसके अंदर शामिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप इसको अपनी फ़िश को मिक्स कर लें एंड देन जस्ट कोट योर फिश विथ ब्रेड क्रम्स, जो नॉर्मल हमें फाइन ब्रेड क्रम्स मिलते हैं। मोटे वाले ब्रेड क्रम्स आप नहीं लीजिएगा, फाइन ब्रेड क्रम्स लीजिएगा। अंडा आपका लगा हुआ है, मैदा लगा हुआ है, आपने कोई एक्स्ट्रा चीज़ इसमें ऐड नहीं करनी है। फिर आप अपने हाथों के दोनों साइड पे हल्का सा पानी लगा के अपने एक एक फिले को उठाइएगा और उसको प्रेस कर लीजिएगा। आपका फिले कुछ इस तरह से लगना चाहिए कि ये अच्छे तरीके से वो क्रम्स लग गए हैं और ऊपर से थोड़ा सा वेट वेट सा टेक्स्चर हो गया। उसके बाद आप अपने फिलेस को शैलो फ्राई करेंगे। इसको आपने डीप फ्राई बिल्कुल नहीं करना है वरना आपकी कोटिंग निकल जाएगी, और जब ये फ्राई हो जाएंगे तो आप ये देखेंगे इस तरह से कुछ आपको लगेंगे। दे आर परफेक्टली कोटेड और ये बहुत अच्छे तरीके से फ्राई भी हो चुके हैं अंदर से। अब हम अपने सॉस को रेडी करेंगे। इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून क्रीम, सॉल्टेड मेयो, ब्लैक पेपर, कद्दूकस किया हुआ, थोड़ा सा कैप्सिकम और लेमन जूस मैंने ऐड किया था। मेक श्योर यू डू नॉट स्किप द लेमन जूस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस सॉस के लिए। इट शुड बी अ लिटिल सार एंड सॉल्टी, ये इसका टेस्ट ही, फ्लेवर ही इसी तरह का होता है इस सॉस का, ठीक है। इसको आप जब रेडी कर लेंगे इस तरह से थोड़ा थिक टेक्सचर होना चाहिए। उसके बाद आप अपने बर्गर्स को असेंबल करें। मैंने थोड़ा सा इसको बटर रोस्ट कर लिया था अपने बंस को और मैंने उसके बाद इसके ऊपर आइसबर्ग चीज़ पैटी एंड सॉस लगाया था और बस मेरा बर्गर रेडी है। आप लोग भी इस तरह बनाएं, फ्राइज के साथ सर्व करें और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। बाय बाय।